एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेंज ब्राइट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये FF कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे जियांग चंग के जगह पर विंग का शादी हो गया था वांग जी के साथ, वो भी बिना वांग जी या फिर लैन क्लैन को बताए। लैन क्लैन को और वांग जी को तो यही लग रहा था कि ये राजकुमार जियांग चंग है। तो अब हम आगे देखते हैं, विंग को लैन क्लैन ले आया गया था और फिर कुछ रिचुअल्स को भी फॉलो किए गए थे जो लैन क्लैन के ओमेगास ने किया था। और उसके बाद विंग को ले जाया गया था वांग जी के क्वार्टर में, मतलब जिंगशी में। जिंगशी को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था, एकदम रेड कलर का पूरा लग रहा था क्योंकि हर जगह रेड लैंटर्न्स जलाए गए थे और रात का टाइम था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। हालांकि विंग कुछ भी सही से नहीं देख पा रहा था, हर चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा लाल दिख रहा था। एक तो हर जगह लाल कलर के लैंटर्न्स जल रहे थे और उसके ऊपर उसका जो वेल है वो भी एकदम लाल कलर का था, तो इसलिए विंग कुछ भी सही से नहीं देख पा रहा था और ना ही उसका मन था कुछ भी देखने का। उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा। विंग को महसूस हो रहा था कि उसे बुखार है। कुछ जो लैंड डिसिपल्स हैं ओमेगास, वो विंग को वांग जी के कमरे में लेकर वांग जी के बेड के ऊपर बिठा देते हैं और फिर कुछ देर वो विंग को बहुत सारे रूल्स के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, जो कि इस फर्स्ट नाइट में विंग को मानना होगा। मतलब हाँ, वांग जी को कैसे ग्रीट करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सब कुछ वो ओमेगास कुछ कुछ विंग को बता रहे थे। फिर वो ओमेगास चले गए थे। उनके जाने के बाद विंग अपने कांपते हुए हाथों से धीरे से अपना जो वेल है उसे उठाता है और आसपास देखता है। वो अभी भी सही से कुछ भी नहीं देख पा रहा था, उसका आँखें एकदम धुंधला था, उसकी आँखों में कुछ गया नहीं था, उसकी आँखों में आंसू थे जो बह रहे थे और फिर जम रहे थे, इसलिए वो साफ साफ कुछ भी नहीं देख पा रहा था। विंग ने अपने आँखों को साफ किया अपने हाथों से और फिर आसपास देखा। ये कमरा बहुत ही बड़ा है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं है। एक बिस्तर है जहाँ पर अभी विंग बैठा हुआ है और बिस्तर के पास एक टेबल टाइप है, मतलब हाँ, जहाँ पर चीज़ों को रखा जाए, पानी या फिर अभी भी कुछ ड्रिंक वहाँ पर रखा गया है। और कमरे के एकदम साइड में बहुत बड़े अलमारी रखे हुए हैं, मतलब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किताबें और किताबें ही दिख रहे थे विंग को। और बैठने के लिए जगह जहाँ पर बैठकर टी या फिर कुछ पढ़ा जा सकता है, टी पिया जा सकता है। और एक दरवाज़ा दिख रहा है, शायद वो बात एरिया है जहाँ पर नहाया जा सकता है। और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये बहुत ही साफ़ सुथरा और एकदम बहुत ही अच्छा एक वाइब दे रहा था विंग को। उसका जो दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था ना इस कमरे में आके, अभी ये कमरा पूरा देखने के बाद विंग को थोड़ा सा ना अच्छा फील हो रहा था, उसका घबराहट थोड़ा सा कम हुआ था। धीरे धीरे विंग फील कर पा रहा था कि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। विंग अपने रोप को भी हल्का गीला महसूस कर रहा था, उसके पीठ के तरफ जो रोप है ना वो पूरा भीग चुका था, पानी से नहीं शायद खून से। विंग ने रेड कलर का वो शादी वाला रोप पहना हुआ है ना, इसीलिए कोई समझ नहीं पाया। और विंग ने भी अपने आप को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था इतनी देर तक, किसी को समझने नहीं दिया था। लेकिन अब क्या करेगा विंग, अगर उसका अल्फा, उसका जो हस्बैंड है वो विंग के करीब आना चाहे तो? विंग तो वो नहीं है, विंग जियांग चंग नहीं है, तो विंग क्या करेगा? क्या विंग सच बता देगा? नहीं, विंग सच नहीं बता सकता। अगर विंग ने सच बता दिया तो महारानी यू उन्हें विंग क्या कहेगा? उनसे तो विंग ने वादा किया है ना कि विंग जियांग चंग की जगह को महफूज रखेगा, विंग जियांग चंग के आने तक यहाँ पर रहेगा, तो अब क्या करेगा विंग? ये सब कुछ विंग के दिमाग में चल रहा था। दूसरी तरफ हमें लैन कुरान का जो क्वार्टर है ना उसको दिखाया जाता है, जहाँ पर
लैन कुरान टी पी रहे थे बैठकर, और उनके सामने वांगजी चुपचाप बैठा हुआ था। लैन कुरान ने अपने टी कप को सामने रखा और वांगजी को बहुत ही शांत लहजे में उन्होंने कहा, वांगजी मुझे पता है कि तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थे और ना ही तुम करना चाहते थे, लेकिन ये शादी अब हो चुका है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा। तुम्हें हमें इस क्लैन को एक वारिस देना होगा जल्द से जल्द, और ये भी मेरा एक आदेश ही है। मुझे अपने क्लैन के नेक्स्ट हायर को बहुत ही जल्द देखना है। तुम समझदार हो वांगजी, तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम जाओ अपने ओमेगा के पास। ये कहते हुए अंकल दोबारा अपने टी कप को उठा लेते हैं। वांगजी पूरा टाइम अपनी मुट्ठियों को कसकर वहाँ पर बैठा हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। एक तो उसे शादी नहीं करना था, अपने माँ और बाबा के शादीशुदा ज़िंदगी को देखने के बाद वांगजी कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। वांगजी ने और वांगजी के गगा ने देखा है कैसे उनके माँ और बाबा ने दुख झेला है इस शादी के रिश्ते में। उनके रिश्ते में प्यार था, भरपूर प्यार था, लेकिन वो प्यार उनकी ज़िंदगी को खुशियों से नहीं भर पाया था, सिर्फ और सिर्फ दुख मिला था। और उस दुख में वांगजी और वांगजी के गगा, इन दोनों को भी शामिल होना पड़ा था। इन दोनों ने भी सफ़र किया था और आज भी कर रहे हैं। तो वांगजी इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे शादी करना पड़ा। अब दोबारा उसे फोर्स किया जा रहा है, दोबारा उसे मजबूर किया जा रहा है इस क्लैन के नेक्स्ट हायर के लिए। क्या वो अभी भी तैयार है? उसे क्या समय नहीं दिया जाएगा? उसे सच में समय चाहिए। जो वो अपने अंकल को बता नहीं पा रहा था, इसलिए उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी खुद पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि वो क्यों इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो क्यों बोल नहीं पा रहा है अपने दिल की बातों को, या फिर कोई क्यों नहीं समझ पा रहा है। वांगजी को इतना तो पता है कि अंकल को और उसके गगा को वांगजी के दिल की बात अच्छे से पता है, लेकिन इन दोनों इंसानों में से कोई भी इसे समझने के लिए तैयार नहीं है। अंकल जिन्हें क्लैन के नेक्स्ट हायर चाहिए तो चाहिए, और ब्रदर जिनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। वांगजी को पता है कि शिचनगा बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वांगजी को हर चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कर पाएंगे। वांगजी ने अपने गुस्से को अपने अंदर दबा लिया और अंकल से कहा, मुझे जाना होगा। ये कहते हुए वांगजी उठकर खड़ा हो गया और फिर अंकल को बो किया। अंकल ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वांगजी अंकल के क्वार्टर से निकल के अपने जिंशे की तरफ चला गया। पूरे रास्ते वांगजी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्यों घूम फिर कर उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बयां नहीं कर पा रहा था। बोलते हैं ना कि अगर इंसान अपने दिल की बातों को किसी को समझा ना पाए तो वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वांगजी का भी वही हाल हुआ था। वांगजी जो एक बहुत ही डिसिप्लिन लैन है, बचपन से लेकर आज तक पूरे क्लैन में उसे दिखा कर लोग ये कहते हैं कि अगर बनना है तो लैन वांगजी जैसा बनो, वो वांगजी आज बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बहुत ज़्यादा। अपने गुस्से पर वो खुद काबू नहीं कर पा रहा है। फिर भी वांगजी को करना होगा अपने गुस्से पर काबू। ये सोचते हुए वांगजी जिंगशी के सामने पहुंच गया था। जिंगशी के सामने जाकर ही वांगजी को याद आया कि आज उसने सच में किसी ओमेगा के साथ अपने ज़िंदगी को बांध लिया है, ठीक उसी तरीके से जैसे उसके बाबा ने कभी बांधा था। लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग भी था, जहाँ पर उसके बाबा और माँ ने एक दूसरे से प्यार किया था और फिर शादी, और यहाँ पर वांगजी जिस ओमेगा से अपने ज़िंदगी को बांध चुका है उसे वांगजी ने कभी बात तक नहीं किया है। वांगजी ने बस एक तस्वीर देखा था उस ओमेगा का, वो भी जब वांगजी और जियांग क्लैन के जो
राजकुमार है जियांग चंग, इन दोनों का मैरिज फिक्स हुआ था। उसके बाद शिचन गगा ने कहीं से तो जुगाड़ लगाया था और जियांग चंग का एक तस्वीर उन्होंने ढूंढा था, मतलब हाँ जियांग क्लैन से ही उन्होंने लिया था और उसे वांग जी को उन्होंने दिखाया था। तो पूरे लैन क्लैन में जियांग चंग को बस लैन शिचैन और लैन वांग जी ही पहचानते हैं। अंकल कुरैन ने भी नहीं देखा है जियांग चंग का चेहरा अभी तक। तो बस इतना ही जानता है वांग जी अपने उस ओमेगा को जिसके साथ उसका जिंदगी बंध चुका है। लैंस जिंदगी में एक ही बार शादी करते हैं, एक ही बार प्यार करते हैं, तो ये पूरे जिंदगी का सवाल है वांग जी के लिए। वांग जी एक गहरा सा ब्रेथ लेता है और अपने जंगशी के अंदर चला जाता है। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से विंग जैसे होश में आ गया था, इतने दर्द में था कि उसका ना धीरे धीरे वो अपने आंखों को बंद कर चुका था और वो उस दर्द के मारे ना अपना होश खो रहा था विंग। लेकिन दरवाज़ा खोलने के आवाज़ से ही विंग एकदम अपने होश में वापस आ गया और उसने ठीक ठाक होके बैठ गया और अपने जो वेल है ना उसको भी अपने फेस के ऊपर अच्छे से कवर कर लिया। जैसे विंग को कहा गया था ठीक वैसे ही विंग बैठ गया था। वांग जी कमरे के अंदर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, फिर एक बार विंग की तरफ देखता है जो अभी राजकुमार जियांग है वांग जी के लिए। फिर वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है और विंग के पास जाके विंग से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ जाता है। ये सब कुछ वांग जी के लिए ऑकवर्ड है बहुत ज़्यादा, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात शुरू करे। और अंकल ने तो एकदम कह ही दिया है कि मुझे जल्द से जल्द बारिश चाहिए, लेकिन अब वांग जी को कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब बात तो करना होगा। इसलिए वांग जी धीरे से जो वेल है ना उस पर हाथ देता है, मतलब वेल को वो उठाने वाला है। जैसे ही वांग जी का हाथ वेल पर गया ना, विंग का दिल इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। विंग को इतना तो पता है कि राजकुमार लैन वांग जी या फिर लैन क्लैन के किसी भी और इंसान ने जियांग चंग को इससे पहले नहीं देखा है, तो शायद ये लोग नहीं पहचान पाएंगे कि ये जियांग चंग नहीं है, विंग है। लेकिन फिर भी विंग को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए विंग डर के मारे अपने दोनों हाथों की मुठियाँ कस लेता है और अपने आँखों को बंद कर लेता है, एकदम टाइटली बंद कर लेता है। दूसरी तरफ धीरे धीरे वांग जी वेल को हटाता है और फेस देखता है विंग का, जिसे देखकर वांग जी को 440 वोल्ट का झटका लगा था। इतना बड़ा शॉक लगा था वांग जी को कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सामने एक डरा सहमा सा चेहरा था जो पसीने से लथपथ था और जिसका जो चीक्स है ना वो एकदम लाल था। ये शर्माने की वजह से नहीं है, शायद बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया है ये ओमेगा इसीलिए। लेकिन ये ओमेगा ये कौन है, ये तो राजकुमार जियांग नहीं है। ये सोचते ही वांग जी को गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। क्या उसके साथ धोखा हुआ है, क्या उसके क्लैन के साथ धोखा हुआ है, ये सब कुछ वांग जी के दिमाग में आया और वांग जी उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत ही सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, राजकुमार जियांग कहाँ पर है? बस इतना काफ़ी था विंग के लिए, बस इतना ही काफ़ी था विंग का जान निकाल देने के लिए। विंग हैरान था, परेशान था। उसे तो बताया गया था, महारानी यू ने ही तो उसे बताया था कि कोई भी जियांग चंग को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, लेकिन यहाँ पर तो राजकुमार लैन उन्होंने पहचान लिया। क्या उन्होंने जियांग चंग को पहले देखा था? अब विंग क्या करेगा, क्या बताएगा विंग? ये सब कुछ विंग के दिमाग में आ रहा था। डर के मारे विंग अपने आँखों को खोलने का हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था और विंग को ऐसे कोई जवाब ना देते हुए देखकर वांग जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। वांग जी ने सीधा बिचन निकाला और विंग के सामने उस बिचन को एकदम विंग के गले पर रख दिया, जिससे विंग धीरे से अपने आँखों को खोलता है। वो डर रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विंग को डरते हुए देखकर वांग जी और भी ज़्यादा डराता है विंग को।
वो कहता है, बताओ कौन हो तुम? हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें? राजकुमार जियांगचंग कहाँ पर है? क्या हो रहा है यहाँ पर? इतने सारे सवालों का जवाब वीन के पास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उसके होठ डर की वजह से कांप रहे थे। वीन के गले से आवाज नहीं निकल रहा था। वांग जी ने बिचिन को एकदम वीन के गले पर थोड़ा सा कसकर पकड़ा, जिससे वीन के गले पर थोड़ा सा कट लग गया और वहां से खून भी निकलने लगा था। लेकिन विंग वो कुछ भी कहने के हालत में नहीं था, वो तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, बहुत ही ज्यादा। अब वांग जी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। एक तो सब कुछ उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा था और ऊपर से यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये सोचकर वांग जी का गुस्सा बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, बताओ कौन हो तुम? जैसे ही वांग जी ने चिल्लाया ना, विंग कांपते हुए कह देता है, मैं विंग विंग। बस इतना ही कह पाया था विंग और वो बेहोश हो गया। विंग अपने पीठ के बल बिस्तर पर गिर गया, जिसे देखकर वांग जी को एक पल के लिए लगा शायद ये ओमेगा नाटक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ देर में वांग जी को रियलाइज हुआ। वांग जी धीरे से जाता है। एक तो ये ओमेगा कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वांग जी को नहीं पता चल रहा था। लेकिन वांग जी को इतना ज़रूर पता चल रहा था कि इस ओमेगा के साथ ही वांग जी का शादी हुआ है, वांग जी ने इसी ओमेगा के साथ शादी किया है। लेकिन ये ओमेगा है कौन? राजकुमार जियांगचंग क्यों नहीं है यहाँ पर? और क्या ये जियांग क्लैन का कोई चाल है? इन सारे सोच के साथ वांग जी धीरे से विंग के पास जाता है और विंग को हिलाता है। लेकिन विंग होश में नहीं था, वो बेहोश हो चुका था। उसका बॉडी अब इन सारी चीज़ों को झेल नहीं पा रहा था, इसलिए विंग बेहोश हो गया था। वांग जी जो धीरे से विंग को ठीक से सुला रहा था, मतलब ठीक कर रहा था, विंग बैठ कर पीठ के बल गिरा था तो उसके कमर में दर्द लग सकता था। पता नहीं क्यों इस ओमेगा के लिए वांग जी के दिल में फिक्र था और उसी फिक्र के लिए वांग जी विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके हाथ में कुछ गीला सा महसूस हुआ। जैसे ही वांग जी ने विंग के पीठ के नीचे से अपना हाथ बाहर निकाला, वो चौंक गया। उसके हाथों में खून था, पूरा भीग गया था उसका हाथ। वांग जी अब बिस्तर पर लेटे हुए ओमेगा को, मतलब विंग को, अपने एक हाथ से उठाता है और बिस्तर को देखता है। सफ़ेद बिस्तर पर पूरा खून से लाल हो गया था। वांग जी को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है, इस ओमेगा के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वांग जी अब अपने आप को शांत करता है, ये उसका ओमेगा है। जैसे भी हो शादी हो चुका है तो अब ये उसका ओमेगा है, तो वांग जी इसका टेक केयर कर सकता है। कुछ बहुत बुरा हुआ है, ये वांग जी को महसूस हुआ। वांग जी ने तुरंत अपने आप को संभाला और विंग के कपड़ों को खोल दिया, विंग के रोब्स को खोल दिया, विंग के पीठ को देखा, जहाँ पर बहुत सारे निशान थे, बहुत गहरे, और उन निशानों में से खून निकल रहा था बहुत गहरी तरीके से, बहुत ही बेदर्दी से। किसी ने इस ओमेगा को मारा है और वो भी किसी नॉर्मल हथियार से नहीं। वांग जी को महसूस हुआ कि ये किसी के आत्मिक शक्ति से बने हथियार का निशान है। महारानी यू, जियांग क्लैन के महारानी यू के पास है ये हथियार। ये जीडियन महारानी यू के खानदानी हथियार है और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। जीडियन में आत्माओं को पहचानने का ताकत है, इसीलिए तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड इसके बारे में जानता है। लेकिन एक इतने छोटे ओमेगा को, जो शायद अभी 17 या 18 साल का होगा, इस ओमेगा को ऐसे मारने का क्या वजह है? वांग जी ने महसूस किया कि विंग को बुखार है। वांग जी तुरंत दवाई निकालता है और विंग को दवाई देता है, फिर विंग के घाव को साफ करके वहाँ पर पट्टी कर देता है। उसके बाद वांग जी अपना एक रोप निकालता है जो बहुत ही ढीला था विंग के लिए, तो उस रोप को अच्छे से वांग जी विंग को पहना देता है। फिर वांग जी विंग के पास बैठता है। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगा, तो अभी वांग जी नहीं सोने वाला है और ना ही वांग जी को अभी नींद आने वाला है। वांग जी कोई बच्चा नहीं है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में वांग जी को सब
डर की नज़रों से देखते हैं वांग जी के समझदारी के लिए, हिम्मत के लिए। तो वांग जी समझ पा रहा था कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से इस ओमेगा के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है और साथ ही में इसे फोर्स किया गया है। इतना भी वांग जी को आराम से पता चल रहा था, राजकुमार जियांग ने ज़रूर कुछ किया होगा और जियांग क्लैन ने इस बात को छुपाने के लिए ऐसा कुछ किया है, इस ओमेगा के साथ चुपचाप वांग जी का शादी करवा दिया है। जिसे सोचकर ही वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। खाली अब वांग जी को इस ओमेगा के साथ बात करना होगा और सब कुछ जानना होगा। इस बारे में वांग जी ने सोचा कि अपने गगा से बात करेगा, अंकल से इस बारे में बात बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगर वांग जी ने अंकल से इस बारे में बात किया तो जियांग क्लैन और लैंड क्लैन के बीच एक जंग ही छिड़ जाएगा, जो फिलहाल वांग जी नहीं चाहता है। पहले तो उसे पूरा बात जानना है, फिर जाके इस बारे में क्या करना है उसके बारे में वांग जी सोचेगा। तो फिलहाल बस वांग जी को सुबह होने का इंतज़ार है। वांग जी ये सब सोच तो रहा था, लेकिन बार बार उसके नज़रें विंग के चेहरे की तरफ ही जा रहा था। विंग का वो मासूम सा चेहरा, विंग जैसे नींद में भी वो डरा हुआ है ऐसा दिख रहा था। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था विंग को ऐसे देखकर। वांग जी को जैसे महसूस हो रहा था कि ये ओमेगा पेन में है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। वांग जी को तो इस ओमेगा पर भी गुस्सा होना चाहिए, लेकिन वांग जी को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था इस ओमेगा पर। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तो बाय बाय, कल मिलेंगे।